गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 9 वीकनेस और स्ट्रेंथ, यानी जो हमारी ये स्टोरी है वो किसके बारे में है। एक पर्सन के अंदर कोई वीकनेस होती है और वो कैसे उसका सही यूज करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बना देते हैं। कैसे इसका एक देखो, छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कई बार होता है ना, किसी के कोई डिसेबल होता है, कोई ब्लाइंड होता है, कोई वीक होता है, कोई डम होता है, यानी किसी के अंदर बोलने की कैपेसिटी नहीं होती, किसी के अंदर सुनने की नहीं होती है, तो कोई प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता है, कोई अपने हैंड से किसी चीज को कैच नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो पर्सन इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं, इतनी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, इतनी ज्यादा सक्सेस गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। एक पर्सन तो ना डिसअपॉइंटेड हो जाता है, नर्वस हो जाता है, और एक तरह से मतलब कोई वो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, लेकिन कोई दूसरा जो पर्सन होता है उसी चीज को अपने स्ट्रेंथ बना के, अपने पावर बना के यूज कर देता है। देखो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या था, जैसे अभी अपने जो लॉकडाउन हुआ था, कई जनों ने क्या किया, इस टाइम को बहुत अच्छा सा यूटिलाइज किया है ना, जिसकी जो हॉबी थी वो सीखी। जैसे कई बार होता है ना, अपने को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बच्चा साइंस में नहीं है, तो कोई मैथ्स में है, कोई इंग्लिश में, और पहले हमारा जब स्कूल रनिंग था तो क्या दिक्कत थी कि मान लो मम्मा इंग्लिश पढ़ाती है, मम्मा भी जॉब पे चली जाती है, पापा साइंस पढ़ाते हैं, चाचा आना मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाते थे, है ना, उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के टाइम कई बच्चों ने तो क्या किया, इसी टाइम का यूज करके वो जिस सब्जेक्ट में वीक थे उसमें क्या बन गया, यूटिलाइज है। कई बच्चों ने क्या किया, अपने रूटीन का मिस यूज किया, अपन 6:00 पे उठते थे क्योंकि 7:30 में हमें स्कूल आना होता था, और उसको क्या किया था, 9:00 हर चीज का मिस यूज कर। लेकिन कई बच्चों ने जो अपनी वीकनेस थी है ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ली और उस टाइम का यूज करके वो अच्छा सा प्रोग्रेस कर। तो अपना जो चैप्टर है वो ऐसा ही है कि एक जो बच्चा है उसके अंदर कुछ डिसेबल क्या चीज है, जिससे उसकी जो लेफ्ट आर्म है वो एक कार एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गई है, लेकिन उसने जूडो सीख करके एक कॉम्पिटिशन वोन कर दिया, इतना बड़ा अचीवमेंट है उसके। Now we will start our chapter. Sometimes our biggest weakness can become our greatest strength. Here is a story of a 10-year boy who decided to learn judo despite the fact that he had lost his left arm in a horrible car accident. यानी इसमें जो इतना story teller है वो हमें क्या बताता है कि एक बार क्या होता है कि एक 10 years का boy होता है, उसकी जो left arm है वो एक horrible मतलब बहुत ज्यादा भयंकर जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट होता है, उसके अंदर उसकी जो आर्म है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी नुकसान हो जाता है। द बॉय स्टार्टेड हिज क्लासेस विद एन ओल्ड जापानीज जूडो मास्टर, ही वाज डूइंग वेल, बट ही वंडर व्हाई हिज मास्टर हैड टोल्ड हिम ओनली वन मूव इवन आफ्टर 3 months ट्रेनिंग। अब बॉय ने क्या किया, जूडो की क्लासेस तो स्टार्ट कर दी, लेकिन जो उसका मास्टर था, उसका जो ट्रेनर था, उसने क्या किया, वो 3 months की ट्रेनिंग में उसको सिर्फ सिंगल मूव सिखाता है। फाइनली द बॉय सेड, अ बॉय से एजिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, और क्या बोलता है, सर आई हैव लर्न्ड ओनली वन मूव, कि सर मैंने इतने टाइम तक आपको ट्रेनिंग ली और सिर्फ वन मूव ही सीख पाया हूँ, शुडंट आई बी लर्निंग मोर मूव्स, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं दूसरे मूव्स भी सीखना चाहता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें हमारे बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वो जो हमारे लिए कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारे वेल विशर है, यानी वो हमारा अच्छा सोचने वाला है। तो मास्टर क्या रिप्लाई करता है, दिस इज द मूव यू नो एंड ओनली वन मूव यू विल इवन नेट इट टू नाउ। तो मास्टर रिप्लाई, मास्टर कहता है इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज्यादा नीड है, लेकिन द बॉय नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज द मास्टर एक्चुअली मीन, लेकिन बॉय है वो ये बात नहीं समझ पाता है कि मास्टर ने उसके जो टीचर है, उसका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनर है, उसने ऐसा क्यों किया। After several months, the master finally took the boy to his first competition. मास्टर जो क्या करता है, जैसे आपका भी एग्जाम होता है ना, क्लास 1 month 2 month होने के बाद भी रीडिंग होती है, यहाँ फिल होता है, एंटर होता है, जैसे कि वो उस बच्चे को कॉम्पिटिशन के लिए ले जाती है। The boy easily won the first match. उस बॉय ने क्या किया, अपने दोनों मैच स्टार्ट थी, वो दोनों बॉल करने चाहिए। He was surprised because all he knew was just one.
लेकिन वो खुद ही सरप्राइज था कि एक मूव, ओनली वन सिंगल मूव से उसने कैसे मैच जीत लिया। द थर्ड मैच वॉज मोर डिफिकल्ट, जो नेक्स्ट मैच था वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। हिज अपोनेंट चार्ज इट हिम, उसके अपोनेंट ने उसको चार्ज किया, बट द बॉय कामली यूज दिस वन मूव एंड वन द मैच। लेकिन बॉय ने क्या किया, अपना वो मैच भी जीत लिया। He was still amazed at his success. Okay, वो अपनी सक्सेस पर क्या था? Surprise था। He now entered into the final. वो final में आ जाता है। This time the opponent looked bigger, stronger, and more skilled. अब उसके सामने जो लड़ाई करने वाला था, जो fight करने वाला था, बड़ा, strong, और क्या था? Skilled यानी perfect. The boy looked overmatched to his opponent. पूरे मैच में उस अपोनेंट को देखता रहता है। द रेफरी वाज अबाउट टू स्टॉप दिस मैच, रेफरी चाहता है इस मैच को क्या कर लिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। क्यों? द कंसर्न द बॉय वुड गेट हर्ट, इस बॉय को लग सकती है, वो हर्ट हो सकता है। बट हिज मास्टर इंटरप्टेड, उसका मास्टर है वो बीच में इंटरव्यू करता है, क्या बोलते हैं, नो लेट हिम कंटिन्यू, नहीं उसको मैच खेलने दो, कंटिन्यू कर लेते। द मास्टर इंस्टेड नॉट लेट हिम कंटिन्यू, कि उसको नो कंटिन्यू कर ले। और इस द मैच स्टार्टेड हिज अपोनेंट मेड अ क्रिटिकल मिस्टेक, अब उसके अपोनेंट ने एक मिस्टेक कर दी, ही ड्रॉप्ड हिज गार्ड। इंस्टेंटली द बॉय यूज मूव टू डिफीट, और बॉय को जो मूव सिखाया था उसने वही यूज किया। द बॉय वन द मैच, और बॉय फिर मैच जीत गया। ही वाज नाउ द चैंपियन, क्या हो गया, चैंपियन बन गया। ऑन हिज वे द बॉय एंड द मास्टर डिस्कवर्ड एवरी मूव इन ईच। अब जब रास्ते में बॉय और उसका जो ट्रेनर था, मास्टर था, वो सारे इस मैच के बारे में डिस्कस करते हैं। द बॉय ओपन आउट टू अस फॉर सो लॉन्ग ट्रबलिंग हिज माइंड, बॉय के माइंड में एक मतलब कंफ्यूजन सा चल रहा है। मास्टर हाउ डिड आई विन द ऑल थ्री मैचेस इंक्लूडिंग द फाइनल्स विद जस्ट वन, मैंने पूरे मैच कैसे जीते और फाइनल तो मैंने एक ही मूव में जीत लिया। हाउ यू वॉन्ट द फॉर टू रीजन, मास्टर कहता है कि आप सिर्फ दो रीजन से जीतते हो, कैसे? द मास्टर आंसर्ड, फर्स्ट यू हैव लर्न्ड द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रू इन जूडो, सबसे पहला तो कह दिया कि तुमने जूडो बहुत अच्छे से सीखा था, जो उसका डिफिकल्ट थ्रो था वो भी तुमने सीखा। सेकंड, द ओनली प्रोटेक्शन फॉर दैट मूव्स इज योर अपोनेंट टू ग्रैब योर लेफ्ट आर्म। अब इस जो मूव में क्या था, फाइनल में अपोनेंट को तुम्हारी आर्म पकड़नी थी और तुम्हारी वो आर्म थी नहीं, क्योंकि तुमने जिस मूव का यूज किया था उसमें तुम्हारी लेफ्ट वाले आर्म उसको पकड़नी थी और वो थी नहीं, तो क्या हुआ, तुम जीत गए। द बॉयज बिगेस्ट वीकनेस हैड टर्न इनटू हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, और बॉय की जो बड़ी वीकनेस थी उसमें कन्वर्ट हो गई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, पावर। तो इससे हमें क्या स्टोरी से क्या मोरल मिलता है, कि हमें एक तो कोई भी वीकनेस पर्सन होता है, कोई भी डिसेबल पर्सन होता है, हमें उसकी टीजी नहीं करनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। कि कई बार हम देखते हैं ना, जैसे कोई बहुत अच्छा डांसर होता है, फिर हम उसका पूरा डांस देखते हैं, बाद में पता चलता है उसका पेट तो उसकी जो लेग है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, लेकिन उसने अपने आप को इतना ज्यादा परफेक्ट बना लिया है कि हमारी जो आईज है धोखा खा जाती है। क्या कि इसके पैर है वो आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है? तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, जब हमारी वीकनेस को हम अपनी पावर बना लेते हैं। थैंक यू।